Assalamu alaikum, good evening, this is Faizan and you are watching Faiz in Japan TV. So, scene कुछ ऐसा है कि मैं अभी convenience store के बाहर खड़ा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा convenient होता है जापान में और इसकी तादाद कुछ ऐसे होती है जैसे पाकिस्तान में आप रिचार्ज की दुकान देखते हैं ना बहुत करीब. तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं, 7-Eleven हो गया, फैमिली मार्ट हो गया, डेली सॉप हो गया और डेली यामाजाकी हो गया, इस तरह की कुछ दुकानों के नाम होते हैं मगर सबसे ज़्यादा चलने वाला जो है वो 7-Eleven है ना. 7-Eleven की तादाद पे ज़्यादा और इसमें कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ होती हैं. तो मैं अभी उसके बाहर खड़ा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर के किस तरीके का सामान होता है और किस तरीके से रखा होता है ना, यहाँ तक कि यहाँ पे फूड वगैरह भी होता है, सब कुछ होता है. लेकिन दिखाने से पहले पहले ही बता दूँ कि हलाल फूड के चांसेस इम्पॉसिबल है ना, हलाल फूड आपको नहीं मिल सकता. तो मैं थोड़ा सा बाहर से व्यू करवा दूँ, रात का टाइम हो रहा है यहाँ पर. और इसके अलावा इन 7-Eleven हो गया या दूसरे किसी किस्म के कन्वीनियंस स्टोर हो गए, इनके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टॉयलेट भी होते हैं ना, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तादाद में तो इस तरीके से हो गया जैसे पब्लिक टॉयलेट हो गया और इसके कोई चार्जेस नहीं होते. मतलब आप बिना कुछ लिए भी, बिना कहीं शॉपिंग किए भी इनके टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, जो कि जापान में, जापान के टॉयलेट बड़े मज़ेदार होते हैं. पता नहीं आप लोगों ने देखे हुए या नहीं देखे हुए, वॉशलेट टॉयलेट होते हैं जिसमें ऑलरेडी शावर फिक्स होता है और बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं. तो मैं एंड में लास्ट में जो है वो जैपनीज़ टॉयलेट भी दिखाता हूँ आपको और उनका यूज़ करने का तरीका भी दिखाता हूँ. तो चलो मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाना शुरू करता हूँ. ये मैं आ गया हूँ इनसाइड ना, बस डोर से मैं इन हुआ हूँ. तो इस तरह के से ये बॉक्स रखे होते हैं कि आप अपना कार का कचरा फेंकना चाहें तो इसमें फेंक सकते हैं ना, जिसमें तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पर गार्बेज कुछ इस तरीके से फेंकें और जो अगर कैन हो वो यहाँ पर फेंकें और बोतल हो यहाँ पर फेंकें. और इस तरीके से हॉट वाटर रखा होता है कि आप यहाँ से नूडल्स वगैरह ख़रीदते हैं तो आप यहीं से बना के और यहीं पे बैठ के सामने बैठ के खा सकते हैं, वहाँ चेयर लगाई हुई है इन्होंने ना. तो ये सेटअप है. उसके बाद अगर आप आगे आ जाते हैं तो ये मैगज़ीन है ना, इसमें ज़्यादातर मैगज़ीन, तकरीबन सारी मैगज़ीन कुछ ऐसे हैं जो 18 प्लस है ना, मतलब वो ऑलरेडी जो है वो आप ओपन नहीं कर सकते ना. ये पैक हैं, पैक आप इनको देख नहीं सकते खोल के जब तक आप परचेज़ नहीं कर लेते. और शायद प्राइवेसी है फॉर उसके लिए, किड्स के लिए, कि कोई बच्चे वगैरह ना खोल के देख लेना. तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इधर दूसरे दोनों साइड कवर करता हुआ चलता हूँ. यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक हैं, ये सारी एनर्जी ड्रिंक है ना, ठीक है. फिर उसके बाद ये टिश्यूस आ गए और फिर ये बैंडिक आ गई, फिर ये बॉडी स्प्रे आ गए और जेल वगैरह आ गया यहाँ पे और वेट टिश्यू, मेंस का सारा मेंस का आइटम आ गया ना. ये गर्ल्स का आ गया, सेम आइटम फॉर गर्ल्स, ठीक है. यहाँ पर सॉक्स वगैरह आ गए, ये आ गए पेन, नीचे नोटबुक्स, यहाँ पे लाइटर आ गए और बैटरी आ गई, ठीक है. और ये चार्जर आ गया ना, अगर चार्जर के प्राइस में दिखाता हूँ यहाँ पे आईफोन के ना, तो ये देख सकते हैं आईफोन के यहाँ पे 1382, 1280 है विदाउट टैक्स और 1382 जो है विद टैक्स हो गया ना. इसके अंदर क्वालिटीज़ भी हैं कुछ, ये मतलब मेरे ख्याल से ये कुछ का है, ये आईफोन का नहीं है, बराबर वाला जो कम प्राइस का 648 का. तो ये है प्राइस यहाँ पे ना, कार चार्जर, बैटरीज, ठीक है. यहाँ पे आ गई ये कॉपी मशीन, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है वो सिर्फ कॉपी भी कर सकते हैं और फैक्स भी कर सकते हैं. और करना सेल्फ होता है ना, मतलब सेल्फ सर्विस है, आपको खुद करना है. यहाँ से इसका कैप उठा लेना है, ठीक है. ये स्टार्ट हो गई है, उसके बाद जो है यहाँ पर आने के बाद इसको इंग्लिश कर लेता हूँ मैं. ये आ गया कॉपी और फिर ये आ गया ब्लैक एंड वाइट कलर और साइज ना, जिसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 10 येन है ना. यहाँ से मैं इसको A4 साइज सेलेक्ट करता हूँ. तो पहले मुझे कॉइन डालना पड़ेगा यहाँ से नीचे से, उसके बाद ये स्टार्ट होगा ना. यहाँ पे आके इसने पोज ले लिया, मतलब कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मैं पैसे नहीं डालता हूँ उसके अंदर. उसके अलावा जब हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे तो निकल के नीचे से आ जाएगा ना. ये सब कुछ खुद करना पड़ता है. फिर इसके अलावा यहाँ पर हमारे को ATM मशीन भी मिल रही है, ATM मशीन भी यूज़ कर सकते हैं. फिर ये साइड पे मैं आ जाता हूँ तो मुख्तलिफ ग्लव्स वगैरह हैं यहाँ पे और कुछ नट्स वगैरह हैं. ये आ गई ड्रिंक्स, ड्रिंक्स के इन्होंने काउंटर जो हैं वो सब अलग अलग बनाए होते हैं ना, जैसे कि मॉन्स्टर आ गए, रेड बुल आ गए, ये एनर्जी ड्रिंक्स आ गई. फिर यहाँ पे आ गई सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला वगैरह, इस तरह की ड्रिंक्स आ गई हैं यहाँ पर. फिर ये आ गई हैं जैपनीज ड्रिंक ना, ग्रीन टी, ये ग्रीन टी हैं सारी जैपनीज. फिर ये आ गई कॉफ़ी, तकरीबन ये सारी मुख्तलिफ ब्रांड्स की कॉफ़ी हैं. फिर यहाँ से शुरू हो जाता है अल्कोहल, ये सब अल्कोहल है ना, ये भी मुख्तलिफ किस्म के अल्कोहल हैं इन्हीं के ही अपने. इसके अंदर जो है अल्कोहल की परसेंटेज डिफरेंट है और ब्रांड डिफरेंट है ना.
ये सारा आ गया अल्कोहल का काउंटर। फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ तो ये है आइस वगैरह ग्लास में लेना, या फिर इसके बाद इनके जैपनीज नूडल्स आ गए जो कि कभी मैंने ट्राई नहीं किए क्योंकि इनमें से कोई से भी हलाल नहीं मिलेगा हमारे को ना भाई। ये बीच में एक मैंने काउंटर छोड़ दिया था और इसके बराबर में भी छोड़ दिया था, शायद सारे में कवर ना कर पाऊँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। तो ये आ गए हमारे जंक फूड्स आ गए यहाँ पे लेस और ये मुख्तलिफ किस्म के आ गए, और यहाँ पे जो है किचन के लिक्विड आ गए, शैम्पू आ गए, टूथब्रश आ गए, ठीक है। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो चॉकलेट्स वगैरह आ जाती हैं इस तरफ भी कुछ इस तरह का, ये चॉकलेट्स और गम आ गई हैं, यहाँ पर ब्रेड भी आ गई है। और फिर मैं वापस यहाँ से चलता हूँ बराबर हाल पे जाने के लिए। यहाँ पे पीनट्स वगैरह हैं, अगर मैं दिखाता हूँ कि कोई सी ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिससे आप प्राइस वो कर सकते हैं, जैसे कि ये आ गया ना 325 21 और 72 ग्राम के हैं ये, जिसमें आलमंड है और ये है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ से राइस पैक हुए ऐसे मिलते हैं जिसको सिर्फ माइक्रोवेव में डालो, गर्म करके आप शुरू हो जाओ। फिर ये कॉर्नर एक अलग बनाया हुआ है इन्होंने जो कि अल्कोहल का है ना, जिसमें वाइन, ये जैपनीज नहीं है मतलब ये ब्रांडेड हैं, बाहर की आई हुई हैं, तो इन्होंने इसका अलग बनाया हुआ है, ये वाले जैपनीज ब्रांड आ गए, ठीक है। फिर यहाँ से मैं आगे आया तो ब्रेड वगैरह शुरू हो जाती हैं या आइसक्रीम वगैरह आ जाती हैं। फिर मैं इस वाले पर आता हूँ तो ये जूसेस वगैरह आ गए ना, और ये हमारा पोर्क आ गया जिसका हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए, ये पोर्क मीट आ गया जिस तरीके से बिल्कुल खुला बेचा जा रहा है ना। और तकरीबन जितनी भी खाने की चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, इवन के चॉकलेट्स ना, इनमें से कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम खा सकते हैं। बस ये सैलेड आ गया हमारा, क्योंकि ये चिकन और मीट तो यहाँ पे है लेकिन उनमें से हलाल इम्पॉसिबल है कि इनके पास होना। कुछ सुपर हैं, वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बना के दिखाऊंगा किन सुपर में आपको हलाल मिल सकता है, और कोई स्पेसिफिक शॉप भी होती है, कोई मुस्लिम खोल के बैठा होता है एक सिटी में तो वो शॉप भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये सारे जो आ गए इनके खाने आ गए जो ऐसे करके पैक करके दे रहे होते हैं ना, इनके साथ इनके प्राइस लगे हुए हैं। ये है सैलेड, ये सैलेड आ गई, इसके ऊपर जैसे प्राइस चेक करते हैं कि छोटी सी है और 370 येन की है, 370 येन मतलब। अच्छा, अब मैं चलें आपको टॉयलेट दिखाता हूँ। टॉयलेट जो है वो इस तरीके से होते हैं, हमेशा लेडीज़ और जेंट्स का सेपरेट होता है, बस लेडीज़ का सिर्फ सिंगल होता है कि लेडीज़ ही जा सकती हैं, पर जेंट्स वाले में लेडीज़ भी जा सकती है ना, तो ये दोनों ऑप्शन जो है लेडीज़ के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे डोर हमेशा स्लाइड होता है जापान के अंदर, जब आप अंदर आ जाते हैं, अंदर आने के बाद जो है ये यहाँ का कमोड है, अंदर आने के बाद जो है दोबारा स्लाइड डोर करके इनका लॉक कुछ इस तरह का होता है ना, ये ऐसे लॉक घुमाना होता है, तो मैंने इसको लॉक कर दिया ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। वैसे तो कोई यहाँ पे नॉक नहीं करता, अगर लोग बाहर से देखेंगे तो दोबारा इनसाइड नहीं आएंगे। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि ये जो कमोड का जो पोर्ट है ये इतना क्लीन नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ से, मैंने तो थोड़ा सा छोटा टिश्यू ले लिया, अगर आप बड़ा चाहें तो बड़ा ले सकते हैं, इसको आप क्लीन कर लें यहाँ से ना, ताकि आप क्लीन फील कर सकें ना उसके बाद, ठीक है। अगला ऑप्शन ये है कि यहाँ पे छोटा फ्लश है और यहाँ पे बड़ा है, अगर आप इसको नीचे पुश करते हैं तो छोटा होगा, थोड़ा सा पानी निकलेगा और उसके बाद बंद जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो फिर ये बड़ा होगा, मतलब कि इस तरह से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप अपना काम करते हैं, मतलब कि आप जब पोर्टी कर लेते हैं, तो उसका ऑप्शन एक अलग है। अच्छा, ये मशीन जो बनाई जाती है लेडीज और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए बनाई तो एक जैसी जाती है, लेकिन ऑप्शन जो है हम दोनों के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करने के हैं भी और नहीं भी है ना, मतलब कि इसके अंदर एक साइन दिया हुआ है लड़की का ना, ये वाला थर्ड वाला, इसका मतलब ये है कि ये लड़की इस्तेमाल करती है, मतलब कि वो पी करने के बाद जो है, अगर लड़की को, अगर लेडीज को अगर ये क्लीन वगैरह करना होता है तो वो इस बटन को दबाएंगी ना, मगर अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास उसका ऑप्शन नहीं है ना, ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि इसकी सेटिंग जो है ना उनके हिसाब से होती है। फिर ये आ जाता है रेयर, ये लिखा हुआ है रेयर, जब हम पोटी वगैरह कर लेते हैं, अपना डन हो जाते हैं, तो फिर हम रेयर का बटन दबाते हैं, जिसके बाद जो है वो वहां से ऑटो शावर निकल के आता है, और जिसकी सेटिंग फिक्स हुई होती है कि आप जैसे बैठते हैं और जहां पे आपको वॉश करना चाहिए वो परफेक्ट उसी तरीके से आपको वॉश करता है ना, जब वो आपको वॉश कर देता है तो अगर आपको लगता है कि मैं क्लीन हो गया, मतलब मैं डन हो गया, तो आप चाहो तो स्टॉप का बटन दबा दो, और अगर नहीं चाहते हो तो वो चलता रहेगा, 3 मिनट के बाद वो ऑटो स्टॉप हो जाएगा ना। तो रेयर का बटन हमेशा याद रखना, रेयर जो है वो जेंट्स के लिए होता है, सही है, जेंट्स के लिए और लेडीज के लिए दोनों होता है, मगर फ्रंट वाला हमारे लिए नहीं होता ना। उसके बाद ऑन और ऑफ का ये लिखा हुआ है, प्राइवेसी,
ये ऑप्शन ना कभी मैंने ट्राई किया है और इसका मुझे पता भी है ना सही है। उसके बराबर में ये वाले जो साइन ही दिए हैं ये उस लिए हैं कि अगर आप सर्दियों में आते हो यहाँ पे काफी बर्फबारी हो रही है और जब आप इस पे आके बैठते हो तो बहुत ठंडा हो रहा होता है ना कि आप जंप भी मार सकते हो। तो उसके लिए जो है आप वो ऑप्शन ये जो है ना ऑलरेडी ये कन्वीनियंस स्टोर वाले जो है ना स्टाफ के बंदे वो ऑन करके रखते हैं ताकि आपको यहाँ पे हीट सिस्टम स्टार्ट जो है ना उसके बाद जब आप बैठते हो तो बिल्कुल भी ठंडा फील नहीं होता। आप ना बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से मजीद हॉट फील कर सकते हो और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो ना सर्दी वर्दी का कोई एहसास नहीं होता। फिर उसके बाद क्लीनिंग का ऑप्शन है और वाटर का प्रेशर का ऑप्शन है। ये वाटर का प्रेशर है जब आप जब इसको स्टार्ट करते हो और आपको लगता है कि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है तो प्लस दबा के प्रेशर को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो ना इसी तरीके ये लिखा हुआ भी है प्रेशर। फिर ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम इसके अंदर का ऑप्शन दे रहा है। अब मैं इसको ट्राई नहीं करना चाहता बटन दबाने को कि मेरे ऊपर ना पानी मार दे। तो ये सारी चीज़ें थी ना जो मैं आपको बताना चाहता था। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये जो टॉयलेट होते हैं ये हमारे घरों में भी ऐसे होते हैं जापान में और पब्लिक प्लेस पे पब्लिक टॉयलेट भी ऐसे ही टॉयलेट होते हैं ना। तो मैं यहाँ से डन हो गया। अब तकरीबन मैं तो आपको कवर कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, मगर एक लास्ट चीज़ है जो कि फ्रंट पे इनके जो सिगरेट और स्मोकिंग का ऑप्शन है वो इनके पास होता है फ्रंट पे। वो फ्रंट पे आप अपना ब्रांड देख के उसके बाद उसका नंबर देख के और इसको इनको ऑर्डर करते हैं ना कि ये मुझे ये चाहिए सिगरेट। चले मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये सामने पीछे जो जितनी ये बॉक्सेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड लगे हैं वो चले इस कस्टमर के बाद में लेता हूँ ना। अच्छा यहाँ पे जो है वो चिकन पीस नगेट्स वगैरह ये बेचे जाते हैं। अच्छा यहाँ पे ये हॉट कॉफ़ी रखी है ब्रांड की और ये है फ्रेश फ्रेश कॉफ़ी ना। अगर आप चाहो तो ये गिलास देते हैं आपको, आप 100 येन में जो है इसको बना सकते हो। ये न्यूज़पेपर आ गए और ये आईट्यून की है कार्ड्स वगैरह। यहाँ अगर आप यहाँ से कुछ ख़रीद के लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो ना और बैठ के खा सकते हो। ठीक है मैं अपना नंबर यहाँ से चेक करता हूँ कौन सा है जो मुझे चाहिए। हाँ 95 ये वाला है तो मैं इसको ऑर्डर करता हूँ 95। तो ये था जनाब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जापान में कन्वीनियंस स्टोर कैसे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसमें कैश तक नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ क्यूजू गोबा 95 नंबर का फिगरेट कैसे मैं ले रहा हूँ। उसके बाद अपना नंबर सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे कंफर्म करेगा और उसके बाद आप पे करोगे। 18 प्लस का जो है वो अपना कंफर्मेशन करना पड़ता है कि अगर आप 120 हैं तो आप नहीं ले सकते ना। अरे तो बताएंगे। तो ये था हमारा कन्वीनियंस स्टोर जो मैंने आपको दिखाया और यहाँ का टॉयलेट सिस्टम दिखाया जो कि हर घर में होता है और हर पब्लिक प्लेस पे होता है ना। बाहर यहाँ पे नॉर्मली जो है पार्किंग होती है लेकिन अगर बड़ी सिटी होती है तो पार्किंग का कोई चांस नहीं। अगर टोक्यो वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, आपको बाहर गाड़ी खड़ी रख के ऐसे किसी को बिठा के अंदर जाना होगा या तो फिर आपको गाड़ी लेके रोकना ही नहीं होगा ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगी। ये मेरा ब्रांड लिया है सिगरेट का जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि मैंने अपनी सिगरेट लेने लगा हूँ। तो ये वो सिगरेट है जिसका कैंट है और 1 mg जो है इसके अंदर निकोटीन है जो कि बहुत ही कम है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।